हाय मेरा मनी प्लांट बेचारा मरने वाला है, आई डोंट नो क्यों। हाय हाउ मच शाइन डू कटिंग स्टेक इन देयर ग्रोथ, कटिंग्स आर नीदर ग्रोइंग इन पॉट नॉर इन वाटर। अस्सलाम वालेकुम, सिंस रेन वाटर इज गुड फॉर प्लांट्स बट फॉर दोस पोटोस हु आर इन पॉट शुडंट बी मूव देम अवे फ्रॉम रेन। आई मीन व्हेन इट रेन्स अ लॉट सोइल बिकम्स टू वेट फॉर डेज। हाय मेरे पकौड़े नरम क्यों नहीं। अब ये क्या भेज दिया भाई, ये गलत सवाल भेज दिया। अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और सीन कुछ ऐसा है कि मैं कल देख रहा कि भाई मुझे कौन सी वीडियो बनानी है, तो मुझे पता चला कि मैंने अभी तक मतलब मनी प्लांट की वीडियो अपलोड नहीं की। मनी प्लांट यार मतलब कितना कॉमन प्लांट है, और उसकी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। प्रोपगेशन की एक वीडियो अपलोड की है, और उसकी केयर या टिप्स वगैरह से रिलेटेड कोई वीडियो मैंने अभी अपलोड नहीं की। और इतना कॉमन प्लांट है कि मतलब हर जगह देखने को मिलता है, आप घर में देखें, शॉप्स में देखें, ऑफिस में देखें, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, और ये इतना कॉमन है इस वजह से कि भाई अब जो गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहता है उसके माइंड में पहले यही आ चुका होता है, फिट हो चुका होता है कि भाई पौधा दुनिया में एक ही है और वो है मनी प्लांट। तो पहले नंबर पर वो मनी प्लांट लेगा, उसके बाद उसको दूसरी चीज़ों का पता चलता है। और जिसके पास मतलब कुछ भी नहीं है ना, कोई प्लांट नहीं है, उसके पास मनी प्लांट लाजमी होता है। और एक और चीज़ सुनने को मिलती है, मनी प्लांट रखो भाई घर में तो बहुत सारे पैसे आएंगे। मतलब मैं तो मतलब नर्सरी वाले क्यों इतने नर्सरी में क्यों बैठे हैं मनी प्लांट लेके, वो तो खरब पत्ती बन जाए, इतने मनी प्लांट उनके पास होते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं, और ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आज ये डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसमें मुझे अक्सर क्वेरीज जो आती हैं और क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो मनी प्लांट से रिलेटेड आते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम का जो है वो पेज है एसटी मेनिया के नाम से। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो काइंडली आप भी फॉलो कर लें, क्योंकि मैं रोज़ अपनी जो है वो कुछ अपडेट्स फॉलो कर स्टोरीज वगैरह लगाता रहता हूँ, और जो मेरा इतना सा गार्डनिंग का एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, तो आप भी फॉलो करें। ऑलराइट, तो ये मैं कुछ पॉट्स मैं ले आया हूँ, और यहाँ पर ये देख सकते हैं एक जो है वो ये प्लास्टिक का बड़ा पॉट है, ये प्लास्टिक का एक छोटा पॉट है, और ये एक टेराकोटा जो मिट्टी वाला जो गमला होता है उसके अंदर जो है वो कुछ मनी प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये तीन दिखाने का मकसद क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक हाउस प्लांट है, ईजी टू केयर, ईजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन जितना ये आसान दिखता है बहुत सारे लोगों के लिए उतना ये आसान होता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, और आज उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। कुछ सीक्रेट्स जो मेरा अभी तक अपना एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और किस तरह से इनको हम देख सकते हैं। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये पॉट है, और ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपको लग रहा होगा, ये बुशी लग रहा है आपको, ये कितना छोटा सा पॉट है, लेकिन आप इसको भी देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह फुल जो है वो ये भरा हुआ है, और इसकी जो आप ब्रांचेस देख रहे हैं ये भी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ग्रो कर रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। आपको कुछ और प्लांट्स मैं अपने दिखा रहा हूँ, उनका सीन देखें और फिर हम आगे बात करते हैं। ऑलराइट, तो मैं यहाँ आ चुका हूँ, ये मेरा मनी प्लांट का मदर प्लांट है, और ये मैंने कोई लास्ट ईयर लिया था, इससे पहले मेरे पास कोई क्योंकि मनी प्लांट नहीं था, तो इसीलिए मैंने ज़्यादातर कोशिश यही की है कि मैं इसे प्रोपगेट करूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं इसके लीव्स वगैरह नीचे से छोटे थे, और जैसे जैसे ये ऊपर ग्रो करता गया है वैसे ही इसके लीव्स जो है वो बड़े होते जा रहे हैं। लीव्स जो बड़े होते हैं, बड़े साइज़ का अगर लीव चाहिए आपको तो उसमें एक फैक्टर तो एरियल रूट्स का होता है। एरियल रूट्स जब ये जो पोल लगा हुआ है यहाँ पर कोकोनट हस्क वाला जो पोल लगा है, इसके ऊपर जब रूट्स इसकी बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, उसके साथ देखा होगा आपने अक्सर कि रूट्स जो है वो बिल्कुल जॉइन हो जाती हैं, और उसके अंदर जो है वो रूट्स का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो फिर लीव्स का साइज़ भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। अब जिस तरह से ये देखें, जो ये स्टेम आपको देखने को मिल रही है, ये बहुत ज़्यादा मोटी और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेम है। इसकी मैंने प्रूनिंग की है, तो अब यहाँ से इसके न्यू लीव्स जो है वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो प्रूनिंग का अभी मैं आगे आपको मज़ीद बताऊँगा इसकी, तो प्रूनिंग जो है वो मनी प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि अगर आपको बुशी प्लांट चाहिए इसका, आपको पॉट इसका अच्छा चाहिए, तो प्रूनिंग इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि आप जब ग्रोइंग सीजन होता है तो उसमें आप फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं बड़े लीव्स के लिए। यहाँ पर एक और स्टेम है, अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ये कट लगा हुआ आपको दिख रहा होगा, इसकी भी प्रूनिंग हो चुकी है, यहाँ से इसके लीव्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। दूसरी जगह ये है इसकी, ठीक है, इसी तरह से पीछे मैं अगर आपको दिखाऊं तो तीसरी जगह ये है, यहाँ से इसके न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ पर ये देखें, ये पूरी एक नई जो है वो स्टेम की और नई ब्रांच जो है वो निकलना स्टार्ट हो गई है। तो तकरीबन चार पाँच जगहों से जो है वो एक कट लगाने से ये पाँच छः जगहों से जो है वो इनके लीव्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो प्रूनिंग का जो है वो ये फ़ायदा होता है।
अच्छा, एक और सवाल मेरे पास इंस्टाग्राम पे आया था कि अगर मनी प्लांट जिस तरह से अभी आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ऊपर आप देख सकते हैं इनकी रूट्स एक्सपोज होना स्टार्ट हो गई हैं, मिट्टी कम होती रहती है, जैसे जैसे आप पानी देते हैं तो ड्रेनेज होल से मिट्टी जो है वो थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है, या पानी देते वक्त मिट्टी जो है वो आगे पीछे हो जाती है, तो रूट्स जो है वो एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस सूरत में आप मिट्टी ऊपर डाल दें मज़ीद, ठीक है ना, ऊपर मिट्टी आप ऐड कर दें, थोड़ी सी लेयर ऐड कर दें, उसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि ये जो रूट्स हैं ये छुप जाएंगी, उसके अंदर चले जाएंगी, और जो आप नई फ्रेश आप जो है वो इसके अंदर सॉइल ऐड करेंगे तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, और क्योंकि पुरानी वाली जो होती है उसके अंदर जो है वो इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, तो न्यू वाली जो सॉइल होगी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मज़ीद इस प्लांट को मिलेंगे और इनकी ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। वैसे अगर आप जिस तरह से देख रहे हैं कि मैंने अभी कोई इसमें सॉइल ऐड नहीं की, बट ये सही चल रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, ये मैंने एक और वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने ये इसका जो मॉस पॉल होता है ये बनाना सिखाया था, तो ये वही उसी पॉट के अंदर जो है लगा हुआ है जो उस वीडियो के अंदर मौजूद था, और यहाँ इसकी आप देख सकते हैं कि ब्रांचेस किस तरह से जो है वो ज़मीन के अंदर से होती हुई जा रही हैं। यहाँ बेसिकली ये जो आप दिखा रहा हूँ ये वाली जो देख रहे हैं ये कट लगा हुआ है इसका, और ये यहाँ से जो है वो इसका ग्रोथ जो है वो जारी है। ये बेसिकली एक दूसरे पॉट में लगी हुई थी, और क्योंकि ये ज़मीन के अंदर इसकी एरियल रूट्स लग गई थी तो इसीलिए मैंने वहाँ से उसको पॉट से जो है वो सेपरेट कर दिया है। और ये पॉट आप देख सकते हैं इनकी भी जो है प्रूनिंग हुई हुई है, और इनकी जो आप देख सकते हैं मल्टीपल ब्रांचेस, यहाँ से देखें किस तरह से जो है वो इनकी ब्रांचेस ये सारी की सारी इनकी प्रूनिंग के बाद ब्रांचेस हुई हैं। तो प्रूनिंग जो है वो कटिंग करना है आपको बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको एक बुशी, अब ये छोटा सा पॉट है लेकिन इसकी जो ब्रांचेस हैं वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये एक मेरा हैंगिंग पॉट था, ठीक है ना, तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है फिलहाल, क्योंकि हैंगिंग पॉट में जो है वहाँ पर उसको डायरेक्ट सनलाइट काफ़ी मिल रही थी, तो ये मैंने मैंगो ट्री के नीचे रख दिया। तो अब ये देख सकते हैं इसकी ब्रांचेस किस तरह से जो है वो फैली हुई हैं, और इनकी जो एरियल रूट्स हैं वो ज़मीन में जाकर लग जाती हैं, जब ज़मीन में लगती हैं तो वहाँ पर वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाती हैं और वो नीचे ग्रो करना स्टार्ट हो जाती हैं, और वहाँ से जो है वो आप उनकी कटिंग करके उनको नए प्लांट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये जो फ्रूट बास्केट के अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उसकी मैंने वीडियो के अंदर मैंने ये दिखाया था कि ये मैं किस तरह से जो है वो इसके अंदर प्रोपिगेट कर रहा हूँ, तो ये मैंने पहले कटिंग लगाई थी पानी के अंदर, पानी से मैंने फिर इसके अंदर शिफ्ट की थी, और ये तकरीबन दो दफ़ा मैं यहाँ से इसकी प्रूनिंग कर चुका हूँ, मतलब दो दफ़ा यहाँ से मैंने इसको कटिंग किया है, और यहाँ से अब इसके मज़ीद जो है वो फिर से न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो गए। अगर आपको यहाँ से भी दिखाऊँ तो ये देखें ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ से इसकी मैंने ऑलरेडी कटिंग कर चुका हूँ, और ये जो लाइट ग्रीन आपको बिल्कुल दिख रहा है ये अभी न्यू जो है वो इसकी एक बार फिर से जो है वो ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह इसकी स्टार्ट हो गई है। अगर आप नोट करें यहाँ पर तो ये डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखे हुए हैं, तो ये सनलाइट जो है वो इसको डायरेक्टली यहाँ पर मिल रही है, जैसे आप देख रहे हैं इसको यहाँ पर ये पोल मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये कुछ ये बनाया हुआ है यहाँ पर ताकि जो बड़ी होना स्टार्ट हो जाए तो उनको मैं यहाँ इसके ऊपर जो है वो सपोर्ट के साथ जो है वो यहाँ लगा दूँ, और ये इसके सपोर्ट के साथ ऊपर की तरफ जो है वो क्लाइंबिंग इसमें होती रहे। तो ये देख सकते हैं यहाँ से इसका मैंने कट लगाया हुआ है, ठीक है ना, पुरानी वाली जो है वो यहाँ से कटिंग हुई हुई है इसकी, और ये अब नई जो है वो ग्रोथ इसकी ऊपर स्टिक के साथ जो है वो ज्वाइंट होके जा रही है, तो ये बहुत ही अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप अपने मनी प्लांट को अच्छी रिक्वायरमेंट जो उनकी रिक्वायरमेंट है अगर आप प्रॉपरली देते रहेंगे तो ये आप देखें इनके हेल्दी लीव्स हैं, कोई इसके अंदर अभी तक मैंने कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया लेकिन बड़े लीव्स जो है वो इनके निकल रहे हैं। इसी तरह से ये एक छोटा सा मैंने बोल रखा हुआ है और इसको मैं प्रोपगेशन के लिए यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोई तकरीबन जो है वो 7-8 जो है वो पॉट्स रखे हुए हैं, और ये पूरे माशाल्लाह फुल लोड हुए हैं, और ये तमाम की तमाम कटिंग्स हैं, ये सारी इनके अंदर कटिंग्स लगी हुई हैं, ये कोई नए पॉट नहीं है, और ये जितनी कटिंग्स आपको मैं दिखा रहा हूँ ये उसी मदर प्लांट से जो है वो चलती हुई आ रही हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर क्योंकि ये इनके ऊपर कुछ जगह से जो है वो इनको डायरेक्ट सनलाइट भी मिल रही है और कुछ जो है वो शेड में रखे हुए हैं, तो ये जो सनलाइट के अंदर हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहे हैं, और जो शेड में रखे हैं वो भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, और इनकी वेरिगेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अगर ये पॉट मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो ये आप पॉट देख सकते हैं पूरा माशाल्लाह से फुल लोड हो चुका है। इसके अंदर जो कटिंग्स लगाई हुई थी वो ज़्यादा कटिंग लगी हुई हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो इनकी कटिंग है वो अब अच्छे से क्योंकि ग्रो कर रही है तो ये पूरा बुशी जो है वो पॉट बन गया है, और बाकी अगर आप देखें यहाँ पर इनकी ग्रोथ क्योंकि मैंने इनको जब कटिंग इनके अंदर लगाई थी तो इनको मैंने बस यहाँ पर रख दिया है, कोई तकरीबन 4 महीने हो गए हैं इनको यहाँ रखे हुए, और अभी इनके अंदर से जो इनकी ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं वो बस एक दूसरे के अंदर फैल रही हैं, और ये कुछ जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो जा रही हैं, और वहाँ पर उन्होंने एरियल रूट्स ने जो है वो नीचे ग्रो होना ज़मीन के अंदर ही ग्रो होना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको ये रूट्स दिखा सकूँ मैं, इनकी ये रूट्स देखें आप, ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की हो चुकी हैं, ये इसलिए हुई हुई हैं बड़ी
क्योंकि ये ज़मीन के अंदर ही जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो गई है। अगर आप ये देखें, ये एक इसकी ये ब्रांच एक जा रही है, तो ये मैंने यहाँ से इसको पॉट से सेपरेट कर दिया है और ये बिल्कुल आगे जा रही है और ये पॉट के अंदर नहीं लगी हुई, क्योंकि एरियल रूट इसकी ज़मीन में लग चुकी है, इसकी खाने की रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी हो रही है। अब पॉट के अंदर लगा हो या ना लगा हो कोई इसका फ़र्क नहीं होता। इसी तरह से ये देखें इसके अंदर से जो है वो कितनी ब्रांचेस जो है वो बाहर निकली हुई हैं, और ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और इनकी जो ली ये देखें, ये इनकी जो ब्रांचेस में ये देखें, ये इनकी एरियल रूट्स हैं, ये ज़मीन के अंदर ये देखें, ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर जो है वो लगना स्टार्ट हो गई थी। ह्यूमिडिटी वगैरह मिल रही होती है इनको, तो ये देखें ये एरियल रूट्स जो है वो बहुत अच्छे से इनकी जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ये देखें ऊपर से ब्राउन है, नीचे से थोड़ा सा ये लाइट कलर आपको दिख रहा है अलग से, ये लाइट कलर जो है वो बेसिकली ये है कि वो ज़मीन के अंदर जो है वो जा चुकी थी और बहुत अच्छे से जो है वो ग्रोथ उनकी स्टार्ट हो चुकी है। तो जितनी एरियल रूट्स बड़ी हैं उतना ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि देखें छोटी छोटी भी हैं इसके अंदर और बड़ी भी हैं। और ये प्रूनिंग के बाद का सीन है, ये देखें ये नई जो है वो इसके अंदर से ब्रांच निकल रही है, प्रूनिंग हुई हुई है इसकी और यहाँ से जो है वो। तो ये मैं हर जो कटिंग लगाने के बाद जो है क्या करता हूँ कि जो मैंने फॉर एग्जांपल ये पॉट बना लिया है, अब इसके अंदर जो कटिंग है उनको मैं मदर प्लांट के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ। अब ये जो नई निकल रही हैं इनकी मैं कटिंग करके इनको मैं फिर दोबारा से रीयूज़ करूँगा और नया प्लांट बनाऊँगा। इस पॉट को मैं नहीं छेड़ूंगा, इसको मैं ग्रो होने दूंगा। तो जितना ये प्रूनिंग होती है उतना ज़्यादा अच्छा जो है वो ये बुशी होता है और ये हेल्दी प्लांट जो है वो निकलता है। और लीव्स के साइज़ आप देख सकते हैं, अच्छे और बड़े लीव्स के साइज़ इसीलिए हो रहे हैं कि प्रूनिंग बार बार हो रही है इनकी। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोपेगेशन की। तो प्रोपेगेशन का आपको मैं यहाँ पर ऊपर लिंक देख रहे हैं, एक तो मैंने वाटर प्रोपेगेशन की पूरी एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। दूसरा मैं अभी आपको यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो एरियल रूट्स मनी प्लांट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये जैसे देख रहे हैं कि एरियल रूट्स यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं को हम यूज़ करते हैं प्रोपेगेशन के लिए। अगर वाटर प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो भी इन्हीं का गेम है, अगर आप सॉइल प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो भी इन्हीं का गेम है। और यहाँ पर मैं आपको बस जल्दी से बता देता हूँ, और बाकी आप अगर ऊपर ये लिंक जो दिया हुआ है इसके अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो कंप्लीट उसके अंदर पूरी जो है वो वहाँ पर मालूम है। मैं यहाँ पर वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा, तो ये यहाँ से मैं आपको ये ज़रा कटिंग करके दिखा रहा हूँ इसकी, क्योंकि एरियल रूट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं यहाँ इसके ये जो ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, जो यहाँ पर ये नोड आप देख रहे हैं, ये जो एरियल रूट वाली जगह होती है और ये लीफ निकल रहा है, इसके ऊपर से मैंने जो है वो कट लगाना है, ताकि वहाँ से जो न्यू लीव होगा उस पुरानी वाली में से, ये देखें ये मैंने सेपरेट कर दिया, और ये ऊपर से क्योंकि मैंने कट लगाया लीव के, तो वहाँ पुराने वाली से जो है वो दूसरे लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि मैंने अभी इसको ग्लास ट्यूब के अंदर लगाना है, तो यहाँ से ये मेरे काम का नहीं है, मैंने इसको साइड पर कर दिया है और ये मैं ग्लास ट्यूब के अंदर लगा दूंगा। उसके अंदर पानी मैंने भर लिया है और यहाँ इसके अंदर जो है वो मैं लगा दूंगा। तो किसी भी चीज़ के अंदर पानी आप डाल के उसके अंदर जो है वो अपनी ये इस तरह से मनी प्लांट को आप प्रोपेगेट कर सकते हैं इजीली। और सिर्फ ध्यान आपने ये रखना है कि एरियल रूट्स देखें यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी नज़र आ रही होंगी आपको, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके पास इतनी बड़ी एरियल रूट्स हों, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लीफ के नीचे देखें, आपको ब्राउन ब्राउन सी थोड़ी सी जो है वो छोटी सी नज़र आ रही होंगी एरियल रूट्स, तो वही आपकी बड़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं जब आप पानी में डालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं देखें, ये ऑलरेडी जो है वो रूट्स अपनी बना चुकी हैं, सॉइल के अंदर ये चली गई थी और वहाँ से इनको जो है वो अपना खाना पीना मिल रहा था, इसीलिए मैं यहाँ से इनको सेपरेट कर रहा हूँ और इनको मैं डायरेक्टली लगा रहा हूँ। ये देखें यहाँ से ये नीचे इसका रूट है ना, ये मेरे काम का है और ये ऊपर वाला पत्ता मेरे काम का है, तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ इस तरह से। तो इनको मैं जब अलग अलग लगा दूंगा तो इनके अंदर से इन नई इनकी जो है वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि कहाँ से, ये बस इनकी ग्रोथ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरी काम की जो चीज़ है वो रूट है, तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा यहाँ पर मुझे ये डंडियाँ देखने को मिल रही हैं इस टाइम में, वो मैं काट दूंगा, क्योंकि तो मैंने जो सॉइल के अंदर लगानी है वो मेन चीज़ है रूट, तो उसके साथ जो है वो मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखा रहा हूँ। ये मैंने स्पेशली रखा हुआ इसीलिए है कि जो एक एक लीफ होता है उसको मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर देता हूँ और प्रोपिगेट करता हूँ। तो ये इस तरह से आपने जो है वो सॉइल के अंदर लगा देनी है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करता रहूँ, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि भाई ये तो रूट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, क्योंकि ये तो पहले से जो है वो सॉइल में लगी हुई थी, तो इनको इसीलिए हम सिर्फ इन्हीं को जो है वो प्रोपेगेट कर सकते हैं सॉइल में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपके पास इस तरह से रूट्स ऑलरेडी सॉइल के अंदर चल रही हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट ये होता है कि ये अब ज़्यादा जल्दी से ज़रा ग्रो करेगी। अगर आपके पास इस तरह का कोई सीन नहीं है, तो जो नॉर्मल आप जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह से देखें, ये जो ये वाली चीज़ है ना, ये आप कैसे बना सकते हैं ये आपको मैं दिखाऊं।
मेरे पास तो ये, क्योंकि ज़मीन में लगी हुई हैं तो ये नीचे फैल जाती हैं और ज़मीन के अंदर इसकी रूट्स चली जाती हैं। अब पॉट्स के अंदर ऐसा होता है कि हमारी जो ब्रांच जा रही होती है ना, वो इस तरह से जा रही होती है। अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये ऊपर ऊपर की तरफ जो है वो जा रही होती है पॉट के अंदर, ये मिट्टी के अंदर नहीं लग रही होती। तो अगर आपने इस तरह का काम करना है कि ये जो रूट्स हैं इनकी, ये देखें, ये वाली छोटी सी मैं आपको बता रहा था, ये रूट्स हैं एरियल रूट्स। तो इस तरह से छोटी छोटी एरियल रूट्स होती हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब करना क्या है, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपके पॉट में इस तरह की ब्रांचेस मौजूद हैं और आप इनकी रूट्स को ग्रो करना चाह रहे हैं प्रोपिगेशन के लिए या वैसे ही बढ़ाने के लिए, तो आप बहुत ही सिंपल सा काम करें। पॉट में या तो उसके नीचे से मिट्टी को थोड़ा सा आप क्लियर कर लें, अगर मैं यहाँ पर आपको ये करके दिखा सकूँ, ये देखें, इस तरह से इनको जो है वो क्लियर कर लेना है। नीचे से थोड़ा सा मैं यहाँ से जो है वो मिट्टी निकाल रहा हूँ, ताकि इसको मैं इसके अंदर, ये जो मेरी एरियल रूट्स हैं इसकी, ये इसके अंदर इस तरह से दबा के इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है। अब क्योंकि ये तो ज़मीन में लगा है, तो मुझे ये नीचे से क्लियर करना पड़ रहा है। अगर आपका पॉट है तो आप इसको थोड़ा सा नीचे करके इसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से ये फ़ायदा होता है कि वो जो एरियल रूट्स हैं, अब क्योंकि वो मिट्टी के अंदर चली गई हैं, तो उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ टाइम के बाद अगर आप इनको सेपरेट करना चाहते हैं, इनके न्यू प्लांट बनाना चाहते हैं, प्रोपेगेट करना चाहते हैं, तो इनको आप निकाल कर देखेंगे, इनकी बिल्कुल वैसे ही रूट्स हो जाएंगी जैसे अभी मैं आपको ये पीछे जो है वो दिखा के आया हूँ कि उनकी किस तरह से रूट्स जो है वो ग्रो हो रही थी। तो बिल्कुल ऐसे ही आप ये काम पॉट के अंदर भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। ये देखें, ये इस तरह से इनकी रूट्स हो जाएंगी जब आप इसको पॉट के अंदर इसी तरह से नीचे की तरफ मिट्टी के अंदर जो है वो डाल देंगे। तो जब ऐसे इनकी रूट्स हो जाएंगे तो आप इनको इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो प्रोपेगेशन बहुत ही आसान है। तो चलते हैं अब आगे। अच्छा, तो बात करते हैं पहले हम इनके नाम की। नाम इनका जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लोकल नर्सरीज़ के अंदर, वो होता है मनी प्लांट। वैसे इंग्लिश में इनको पोथोस भी कहते हैं, गोल्डन पोथोस भी कहते हैं, डेविल्स आईवी भी कहते हैं इनको, ठीक है जी। और पहले जो है वो साइंटिफिकली या कह लें जी बॉटनिकल नाम इनका जो था वो स्कैंडप्सिस जो है वो इनको कहते थे। अभी इनको जो है वो एपिफ्रेनम ओरियम कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो है वो इनके नाम हैं और बेतहाशा इनके जो है वो हर नर्सरी के अंदर कुछ ना कुछ इनका निक नेम आपको मिलेगा, ठीक है। तो लोकल यहाँ पर तो मनी प्लांट खैर कहते हैं इनको। इनकी टाइप्स बहुत सारी हैं, ठीक है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये गोल्डन पोथोस हैं, क्योंकि इनके अंदर ग्रीन और गोल्डन कलर का जो है वो वेरिएशन होते हैं। तो ये जो है वो गोल्डन पोथो या डेविल आईवी, ये इनका नाम होता है। इनकी जो दूसरी टाइप्स हैं, एक नियॉन पोथो होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका जो कलर होता है वो बिल्कुल जो है वो लाइट ग्रीन, ग्लिटर जैसे ग्लिटर का ग्रीन कलर होता है, वैसे जो है वो इनका लाइट ग्रीन कलर का जो है वो इनका कलर होता है। एक दूसरा जो है वो एनजॉय का होता है, एनजॉय आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। सिल्वर जो है वो सिल्वर आईवी या सिल्वर वाइन जो है वो कहते हैं, सिल्वर पोथोस भी होते हैं। तो ये जो है वो इनकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं और ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। मेरे पास जैसे मैंने आपको अभी दिखाई हैं, अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही कैटेगरी मौजूद है और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोपिगेट करना, तो इसीलिए मैं इनको प्रोपिगेट कर रहा हूँ। लंबी वाइंस अभी मेरे पास नहीं है इतनी। अच्छा, हाउस प्लांट की अगर बात करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हाउस प्लांट है, ठीक है जी। और एयर प्योरीफाइंग के अंदर तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी रैंकिंग के अंदर मौजूद है और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। और आप इसको हैंगिंग बास्केट्स के अंदर रख सकते हैं, इस तरह से छोटे पॉट्स में, टेबल वगैरह में, या जहाँ पर भी आप इसको रखना चाहें यहाँ रख सकते हैं। ये बेसिकली एक वाइन प्लांट है, तो ये क्लाइंब करता है। आप दीवार पे अक्सर देखते होंगे, दीवारों के ऊपर जो है वो ये चढ़ा हुआ होता है, चढ़ जाता है। ये इसकी जो ये एरियल रूट्स होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसके साथ अगर किसी के साथ लग जाएं, जैसे मॉस स्टिक वगैरह के साथ आप देखते हैं नर्सरी वगैरह के अंदर जहाँ पर हम देखने को मिलता है हमें, तो वहाँ एक बीच में जो स्टिक लगी हुई होती है वहाँ पर अक्सर मॉस होता है या कोकोनट हस्क लगा होता है, उसके साथ ये अटैच होती हैं, रैप होती हैं, और उनकी जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल उसके साथ अटैच हो जाती हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर इनको चाहिए होता है। जहाँ इनको पानी या मॉइस्चर मिलेगा, इनकी रूट्स वहाँ ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर ये आप देख सकें, पता नहीं आपको नज़र आए या ना आए, तो ये अगर आपको मैं दिखा सकूँ कुछ इस तरह से, तो इनकी रूट्स भी जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो चुकी हैं, बड़ी होना स्टार्ट हो चुकी हैं इनकी एरियल रूट्स। तो सारा गेम मनी प्लांट के अंदर एरियल रूट्स का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हाउस प्लांट है, इजी टू केयर प्लांट है। और इसके अंदर जो इसका जो साइज़ होता है, इसकी जो हाइट होता है, वैसे इसका जो लीव का साइज़ होता है नॉर्मली जो है वो ये 5 से 6 इंच का होता है, लेकिन जितना बड़ा होता रहेगा ज़ाहिर 40 फुट तक भाई इसकी हाइट जा सकती है, मतलब उससे ऊपर भी चली जाएगी, लेकिन एक नॉर्मल जो है वो एवरेज जो है देखा जाए कि ज़्यादा बड़ी से बड़ी भी अगर आप देख लें तो 40 फुट तक जो है वो ये ऊपर ये क्लाइंब कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप अब इसकी जो बात करेंगे, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वाटरिंग से।
क्योंकि मनी प्लांट के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो वाटरिंग से रिलेटेड होता है। पानी के अंदर बहुत मसले मसाइल होते हैं इसके, और पानी से रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से ये ख़राब होता है। तो बात करते हैं पहले वाटरिंग की। जैसे मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, सोक एंड ड्राई का फार्मूला बहुत ही आसान है, लेकिन उसमें भी अक्सर यही प्रॉब्लम होता है कि हमें आइडिया नहीं होता। मतलब ऊपर की जो सॉइल होती है वो तो ड्राई हो जाती है, नीचे जो है वो ड्राई नहीं हुई होती, जिसकी वजह से वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आना। सोक एंड ड्राई का क्या सीन है वो मैं आपको बता दूँ, अगर आप नए देखने वाले हैं तो। सोक एंड ड्राई का सीन ये है कि आप अपने जो पॉट है उसकी सॉइल को आप मुकम्मल पूरी तरह से ड्राई होने दें और फिर अच्छे से उसको पानी दें। जब आप नेक्स्ट टाइम पानी देने लगें तो चेक कर लें कि उसकी अगेन मिट्टी आप चेक करें कि अगर वो ड्राई हो चुकी है देन आप उसको पानी दें। तो ये एक फार्मूला है छोटा सा किसी भी प्लांट के लिए। अगर आपने उसको पानी देने की रूटीन अपनी रखनी है तो यही रूटीन रखें, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपका जो है वो प्लांट चलेगा। उसमें पानी से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम अगेन इंशाल्लाह नहीं आएगा। तो पानी का ये सीन जो है वो आपने क्या करना है, फॉलो करना है। ओवर वाटरिंग की वजह से बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले और मेन जो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है जो बहुत कॉमन है मनी प्लांट के अंदर, कि इसके जो ये लीव्स होते हैं ये येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं और इतने येलो हो जाते हैं कि उसको आप टच कर लें तो वो नीचे गिर जाता है, और अगर टच ना करें तो वो खुद ही गिर जाएगा। तो ये चीज़ इसके अंदर बहुत कॉमन होती है, वो ओवर वाटरिंग की वजह से होती है। दूसरी चीज़ जो होती है कि अगर आप अंडर वाटरिंग में रख रहे हैं तो उसकी जो ये टिप्स होती हैं ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो पानी ना देने की वजह से जो है वो ऐसा सीन होता है। या फिर इसको ह्यूमिडिटी कम मिल रही है, ड्राई वेदर में ये रखा हुआ है, इसकी वजह से इसकी टिप्स जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। बहरहाल उस पर भी अभी हम बात करेंगे। तो वाटरिंग का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, आपने इसको जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए फिर आपने इसको पानी देना है। ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मनी प्लांट के अंदर यही होता है, इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। एक और मेरे पास बहुत अच्छा सा सवाल आया है कि अगर रेन होती है मतलब बारिश होती है तो पानी आता है, पानी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है जी। अब मनी प्लांट है, लेट सपोज़ ये मनी प्लांट बारिश के अंदर रखा हुआ है, अब दो दिन तीन दिन बारिश मुसलसल हो रही है और चार चार पाँच पाँच घंटे हो रही है, तो भाई अब क्या करें, पानी तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ओवर वाटरिंग का सीन भी होगा। तो उसमें बहुत ही सिंपल से आपको मैं बात बता दूँ, देखें बारिश का पानी जो होता है जितना बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो बारिश का पानी है ना, मतलब उससे बेहतरीन कोई कंपोस्ट कोई फर्टिलाइज़र कुछ नहीं है। बारिश का पानी जब आता है आप अपने प्लांट्स के अंदर एक अलग सी स्पीड देखेंगे ग्रोथ की, एकदम से आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाता है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है, ठीक है। अल्लाह का एक निज़ाम है और एक कुदरत है। तो एग्जांपल देता हूँ कि जब आपको प्यास लगती है तो भाई आप कुछ तीन ग्लास पी लोगे, चार ग्लास पी लोगे, पाँचवा तो नहीं पी पाओगे, हर एक चीज़ की लिमिट होती है। तो अगर आपका कोई भी प्लांट बारिश के अंदर रखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पानी उसके अंदर चला गया है, तो भाई आप उसको साइड पर कर लें, उसका पानी ड्राई होने दें। बारिश हो रही है बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त उसको ह्यूमिडिटी वगैरह मिलती रहेगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब उसको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, आप उसको साइड पे कर लें, पानी उसका खुश्क होने दें, बारिश आपकी ख़त्म हो जाएगी, देखेंगे पानी और उसकी मिट्टी जो है वो ड्राई नहीं हुई हुई, तो उस वक्त तक आप उसको पानी ना दें, ठीक है। जब उसकी मिट्टी आपको ड्राई होती हुई दिखे फिर आप उसको पानी दें और फिर आप देखें कि आपका प्लांट किस तरह से अच्छे से ग्रो करता है इंशाल्लाह। अब बात करते हैं लाइट की। लाइट का अभी तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि अभी जो आप देख के रहे हैं मेरी वीडियोस के अंदर, वहाँ पर बहुत सारे मेरे मनी प्लांट जो है वो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर हैं। सीन ये है कि अगर आपके देखें वो रखे हैं लॉन के अंदर, ठीक है, तो उनको आसपास से जो है वो ह्यूमिडिटी काफ़ी मिल रही है, ज़मीन के अंदर जो गीली मिट्टी होती है वो इनको ह्यूमिडिटी जो है वो पहुंचाती रहती है। लेकिन अगर ये फ़र्श वगैरह पे ऊपर रखे हुए हैं या दीवार के साथ रखे हुए हैं तो ज़्यादा गर्मी के अंदर जो है वो फ़र्श या जो दीवारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं और वहाँ से हीट जो है वो इनके ऊपर आ रही होती है, जिसकी वजह से इनके पत्ते जो है वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको ब्राइट लाइट में आपने रखना है। अब सीन ये होता है इसके अंदर, एक और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि इनको ऑफिस या होम वगैरह के अंदर, हाउस वगैरह के अंदर जो है हम इनको डार्क एरिया में रख देते हैं। देखिए डार्क एरिया के अंदर जो भी प्लांट होगा वो सर्वाइव करेगा, ग्रो नहीं करता उसके अंदर। ग्रोथ अगर होती भी है तो वो बहुत कछुए जैसी होती है, बहुत मर मर के होगी ग्रोथ, ऐसा नहीं होता कि वो बहुत अच्छे से ग्रो करने लग जाए डार्क एरिया के अंदर।
तो जो भी प्लांट हो उसको जितना अच्छा ब्राइट स्पॉट आप प्रोवाइड करेंगे तो वो उतनी अच्छे से जो है वो ग्रोथ करके आपको देगा, वो उसका हैप्पी प्लेस होता है एक तरह से। तो इसके अंदर अगर आप ये रख रहे हैं अपने रूम वगैरह के अंदर रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि लेट सपोज़ के ये आपने एक पॉट जो है वो अपने रूम के किसी कॉर्नर में रखा हुआ है या किसी टेबल वगैरह में रखा हुआ है, तो अब आपका क्या करना है, आपने उसमें जो एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप हफ्ते में 3 या 2 दिन जो है वो इसको बाहर ले जाएं, बाहर की सैर करवाएं, कुछ देर के लिए इसको धूप में रखें, सुबह या शाम की जो ठंडी धूप होती है उसमें रखें, ताकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है लाइट रिक्वायरमेंट वो पूरी होती रहे। फिर आप भले जाके इसको जो है वो अपने रूम में रख दें तो ये इस तरह से ज़रा अच्छे से चलता रहेगा, इसकी ग्रोथ ज़रा प्रॉपर होती रहेगी। लेकिन मुसलसल आप इसको जो है वो डार्क एरिया में रखे हुए हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो इसका स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और इसके पत्ते वगैरह जो है वो फिर क्या होते रहते हैं, येलो होकर फिर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्राइट एरिया जो है वो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं देनी, ब्राइट एरिया देना है। जो मैं डायरेक्ट सनलाइट दे रहा हूँ वो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो मेरा पौधा सही चल रहा है। अगर मुझे लगेगा कि मेरा वो प्लांट सही नहीं चल रहा उस डायरेक्ट लाइट में तो मैं उसको हटा लूँगा, आउटडोर के तौर पे भी और इंडोर के तौर पे भी, ये दोनों के तौर पे जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपकी जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है वो पत्तों को जला रही है तो वहाँ से उसको हटा लें और आप शिफ्ट कर दें उसको ऐसी जगह पे जहाँ उसको डायरेक्ट सनलाइट ना आए। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इनको फॉलो करें। ये बहुत दो चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मनी प्लांट के अंदर और यही सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी का बहुत ही आसान सा फार्मूला है, आप देखें जब हम इसको इंडोर वगैरह के अंदर रखते हैं तो आप इसके ऊपर जो है वो स्प्रे करें, वाटर स्प्रे जो होता है उससे आप जो है वो स्प्रे कर लें और इसको ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा तो नहीं चाहिए होती लेकिन बहुत कम भी नहीं चाहिए होती, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर ड्राई आपका वेदर चल रहा है तो उसमें खुश्की की वजह से इसके जो पत्ते होते हैं उनकी जो टिप्स होती हैं वो जलना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो इनकी ये एरियल रूट्स होती हैं इनको अगर ह्यूमिडिटी नहीं मिलती तो इनके क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं। इनके देखें अभी जैसे ये लीव है, ये बड़ा है, ये फिर बड़ा है, फिर क्या होगा अगर इनको ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगी तो ये बड़े से छोटे छोटे लीव्स में जो है वो ये कन्वर्ट होता रहेगा, जो भी नया लीव निकलेगा वो पहले वाले से छोटा होता जाएगा। तो ह्यूमिडिटी जितनी इनको अच्छी मिलेगी उतने ही ये बड़े लीव्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे आपको। आइडियल टेम्परेचर जो होता है वो 10 से 30 डिग्री का होता है, 30 से ऊपर जाएंगे तो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, 10 से नीचे जाएंगे तो भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो आइडियल टेम्परेचर इनका 10 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर सर्दियों के अंदर आप देखें कि बाहर रखा है आपका प्लांट और वहाँ पर वो अच्छा नहीं चल रहा तो आप उसको अंदर ले आएँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर, बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहाँ पर इसके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको अंदर ले आएँ, इंडोर में रख दें इसको, ताकि ये, और फिर वहाँ पर आपने लाइट वगैरह का ख्याल रखना है और सर्दियों के अंदर पानी का भी आपने ख्याल रखना है। ज़ाहिर है गर्मी में ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाती है मिट्टी और सर्दियों के अंदर जो है वो ज़रा देर से होती है, तो उसमें आपने ख्याल रखना है। चाहे हफ्ता हो जाए पानी नहीं देना अगर मिट्टी आपको ड्राई नहीं लग रही तो। अच्छा, प्रोपेगेशन का सीन मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। प्रोपेगेशन के अंदर जो है वो आप दो तरह से प्रोपेगेट कर सकते हैं, एक तो है स्टेम कटिंग, दूसरी है वो वाटर प्रोपेगेशन। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, देखें एक सवाल आता है कि जी हमारा जो मनी प्लांट है वो बुशी नहीं हो रहा, कैसे उसको बुशी करें। और एक और चीज़ होती है वो ये है कि आपके जब मनी प्लांट में कुछ प्रॉब्लम होती हैं, जो येलो लीव होता है और वो लीव्स बीच बीच में से घिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो होता क्या है कि आपकी जो लेट सपोज़ ये एक स्टेम जा रही है तो इसके बीच में से जो ये लीव्स हैं ये घिर जाते हैं, तो इनके दरमियान में काफ़ी खाली स्पेस होता है, मतलब आपको सिर्फ एक सिंगल स्टेम दिख रही होती है और सिंगल स्टेम के अंदर जो है वो आपको आगे का जो पहला पत्ता होता है वो दिख रहा होता है, क्योंकि वो अभी अभी ग्रो हुआ है। पीछे पूरी जो स्टेम है उसकी वो खाली पड़ी है, उसमें कोई पत्ता मौजूद नहीं है। तो उसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक तो ये कि आप उसको कट कर दें, उसकी प्रूनिंग करें। दो फायदे होंगे प्रूनिंग के, कि एक तो उसके हर जगह से लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया भी है, तो एक तो हर जगह से उसकी लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यू लीव्स निकलते हैं। लेकिन प्रूनिंग से होता यह है कि प्लांट को एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब ये जो सारी एनर्जी लगाएगा वो इस पत्ते पे लगाएगा, जब आप प्रूनिंग करते हैं तो वो एक नई एनर्जी लगाता है और उसके अंदर से फिर बाकी न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सीन होता है प्रूनिंग का। बाकी अगर आप देखें, जब भी आप मनी प्लांट या कोई भी प्लांट ख़रीदने जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट बुशी हो और बहुत अच्छा जो है वो हेल्दी प्लांट हो, तो चेक करें कि उसके अंदर कितनी स्टेम्स मौजूद हैं, कितने प्लांट्स इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिले आप वो ख़रीदें। और वो जब ख़रीदेंगे जो सबसे ज़्यादा होंगे उसमें, जैसे अगर आप देखें यहाँ पर, तो कोई तकरीबन जो है वो 10-12 इसके अंदर कटिंग लगी हुई हैं,
ये कटिंग अभी लगाई हैं इसीलिए इनके अभी लीव्स निकलना स्टार्ट हुए हैं, तो जितने ज़्यादा इनके लीव्स निकलेंगे उतना ये और मज़ीद बुशी हो जाएगा। मतलब अभी तो ये एक एक पत्ते के साथ इनकी मैंने कटिंग लगा के रखी हुई है, तो ये वही एक पत्ता है जो कटिंग के साथ लगा है। अभी इनके अंदर से जब मज़ीद न्यू ग्रोथ होगी तो ये डबल ट्रिपल हो जाएंगे, तो ये मज़ीद जो है वो बुशी हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त जो है वो ये चलता रहेगा। तो ये बहुत ही एक काम है जो आपने देखना है। तो आज के लिए मनी प्लांट की मैंने पूरी कोशिश की है कि जितनी चीज़ें मुझे आप मुझे पता है और मैं आपसे शेयर कर सकूं मैंने आपको वो बताई हैं। अगर कोई चीज़ फिर भी रह गई हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे, और इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।